लंबे इंतजार के बाद बहुजन समाज पार्टी ने रायबरेली लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बसपा ने ठाकुर प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ठाकुर प्रसाद दो बार यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जीत नहीं मिली है। 2024 में एक बार फिर वो सांसद बनने के लिए चुनावी रण में उतरे हैं। वैसे तो ठाकुर प्रसाद लखनऊ के मानसरोवर सेक्टर बी के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना आशियाना सरेनी विधानसभा क्षेत्र के बहाई लालगंज में भी बनवा लिया है। सरेनी विधानसभा सीट से ठाकुर प्रसाद 2017 और उसके बाद 2022 में चुनाव लड़े, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख सके। इससे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए थे। अब की बार लोकसभा से टिकट मिला है। रायबरेली सीट से बसपा ने सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया है। अब भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार है। बसपा ने अंबेडकर नगर सीट से पवर कमर हयात अंसारी और बहराइच सीट पर ब्रजेश कुमार सोनकर को उम्मीदवार बनाया। अंबेडकर नगर सीट पिछली बार बसपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार मामला कांटे का है, क्योंकि बसपा सांसद रितेश पांडे अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भाजपा ने उन्हें अब अंबेडकर नगर से अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। अंबेडकर नगर सीट बसपा के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। वहीं अंबेडकर नगर में पांड्या परिवार की अच्छी राजनीति पकड़ है। यहां से इसके पहले सीट पर बसपा की टिकट पर रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे भी सांसद रह चुके हैं। अब देखना यह है कि बसपा अपने गढ़ को कैसे बचाती है। क्या पांडे परिवार इस बार भी अपनी साख को सजोए रख पाएगी या नहीं।